नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और मैं हूं अंकुर यादव। आज छतरपुर जिले के 9 नगर निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संपन्न हो गए। नगर सरकारों के मुखिया और उप मुखिया के लिए आयोजित होने वाले ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे छतरपुर के 9 निकायों में हर निकाय का अलग से विश्लेषण। इस वीडियो में बात करेंगे बड़ा मलहरा की, जहां पर मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस ने हथियार डाल दिए और यहां निर्विरोध तौर पर भारतीय जनता पार्टी की निशा आनंद सिंह अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गई। बड़ा मलहरा की इस कहानी के पीछे क्या कुछ चलता रहा और कैसे बड़ा मलहरा में कांग्रेस, जो कि पिछले बार यहां नगर परिषद में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वो इस बार अपना नामांकन भी दाखिल नहीं कर पाई, इस पूरी कहानी के पीछे हैं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सफी खान, जो पूरी की पूरी कांग्रेस को ले डूबे और अपनी एक बहू को उपाध्यक्ष बनवाने के लिए उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष को बनवा दिया। देखिए बड़ा मलहरा की इस स्टोरी को और समझिए कि कैसे राजनीतिक खेल होता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बड़ा मलहरा में पार्षद पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसके क्या नतीजे थे। दरअसल बड़ा मलहरा में कांग्रेस के 6 पार्षद चुनाव जीत कर आए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षदों ने चुनाव जीता था। यहां पर 4 ऐसे भी पार्षद थे जो निर्दलीय तौर पर चुनाव जीते थे, तो कुल मिलाकर 15 पार्षद वाले इस नगर परिषद में कांग्रेस थोड़ा मजबूत स्थिति में थी। बहुमत का आंकड़ा 8 होता है, इसलिए कांग्रेस को 2 निर्दलीय प्रत्याशियों की आवश्यकता थी। पिछले दिनों कांग्रेस को ये 2 निर्दलीय प्रत्याशी मिल भी गए थे। कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने 2 निर्दलीय प्रत्याशियों अंगिमा बैंकट और घनश्याम को कांग्रेस से जोड़ दिया था और इस तरह कांग्रेस का नंबर 8 यानी के बहुमत के करीब पहुंच गया था। इस हिसाब से अगर देखें तो बड़ा मलहरा में कांग्रेस की नगर सरकार बनना तय थी और अध्यक्ष और उप मुखिया भी कांग्रेस का ही बन सकता था, लेकिन पिछली रात यहां गेम चेंज हो गया। कांग्रेस ने यहां पर निर्दलीय तौर पर पार्टी में आई अंगिमा बैंकट को अध्यक्ष पद का घोषित प्रत्याशी कर दिया। बस यही नाराजगी की वजह रही। कांग्रेस से नाराज सफी खान, जिनके खुद के 3 पार्षद वोट थे, वो इस बात से खफा हो गए। इसके अलावा एक और वरिष्ठ नेता जो बड़ा मलहरा से आते हैं, मंजुला शीलडेवड़िया, वो भी कांग्रेस के अंगिमा को घोषित प्रत्याशी बनाने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने अपनी नाराजगी बयान कर दी। बुधवार को जब नगर निकाय कार्यालय बड़ा मलहरा में मतदान की शुरुआत हुई, तब यहां पर कांग्रेस के मंजुला शीलडेवड़िया पहुंचे ही नहीं। कांग्रेस के सफीक खान, उनकी पत्नी वसीमा बानो और उनकी बहू रुकैया बानो यहां वोट डालने जरूर पहुंची, लेकिन किसी ने भी कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी अंगिमा का प्रस्तावक और समर्थक बनना भी नहीं स्वीकारा। इस तरह से कांग्रेस की जो अधिकृत प्रत्याशी थी अंगिमा बैंकट, वो अपना नामांकन भी दाखिल नहीं कर पाई और निशा आनंद सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद चुनी गई थी, वो निर्विरोध अध्यक्ष बनने में कामयाब रही। बड़ा मलहरा में हुए इस खेल के पीछे सफी खान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि सफी खान के परिवार के ही 3 वोट थे। उनकी पत्नी बसीमा बानो भी पार्षद चुनी गई थी, जबकि उनकी बहू रुकैया बानो भी पार्षद चुनी गई थी। इस तरह से 3 वोट होने के बावजूद जब कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया, घोषित प्रत्याशी नहीं बनाया, तो उन्होंने भाजपा के साथ साठ गांठ कर ली और अपनी बहू को उपाध्यक्ष बनवाते हुए भाजपा को मुखिया की कुर्सी सौंप दी। बताया गया है कि बीती रात ये पूरा टाई अप निशा आनंद सिंह और सफी खान के बीच हुआ है, जिसके कारण कांग्रेस को बड़ा मलहरा की ये सीट गंवानी पड़ी है। अब बड़ा मलहरा में निशा आनंद सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो घोषित प्रत्याशी थी, वो नगर सरकार की मुखिया बन गई हैं। यहां पर उपाध्यक्ष पद को लेकर भी एक बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस की रुकैया बानो को यहां उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है, वो भाजपा की साठगांठ से मिली है। तो कुल मिलाकर बड़ा मलहरा में कांग्रेस को एक करारी शिकस्त मिली है और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और कलह भी खुलकर सामने आई है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
नगर विकास के लिए सुबह जनता कहेंगे वो सारी प्राथमिकताएं हम उनको देंगे। और सबसे पहले अपनी परिषद के हम बहुत बहुत आभारी हैं जो आज उन्होंने मुझे निर्विरोध यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक सबने पहुँचाया, तो सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। और जो जनता चाहती है वही उन्हीं के हित में काम करेंगे। आज दिनांक 10 अगस्त को नगर परिषद बाड़ा मलहरा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की गई। सबसे पहले अध्यक्ष हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिसमें एक नामनेशन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि वार्ड नंबर 10 की पार्षद निशा राजी बुंदेला के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चूँकि एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था अतः उन्हें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया गया। तत्पश्चात उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की गई जिसमें श्रीमती रुकैया बानो जो कि वार्ड नंबर 14 की पार्षद हैं, चूँकि एक ही नामनेशन पत्र प्रस्तुत किया गया था अतः उन्हें भी निर्विरोध रूप से उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है।